हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है एग्लेस मलाई केक का रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है मतलब ये खा के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये आप अप खुद अपने हाथों से घर पर बनाए हो इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ये तो चलो ज़्यादा बकपकना करके वीडियो को देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल वन थर्ड कप और यहाँ पर मैंने सनफ्लावर का तेल यूज़ किया है और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज़ है कार्ड वन थर्ड कप और यहाँ पर मैंने अमूल का कार्ड यूज़ किया है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया पाउडर शुगर हाफ कप और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक हैंड वीस के मदद से इन सारी चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कुछ भी लम्ब्स वगैरह ना रहे बहुत ही एक स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले लिया है और यहाँ पर मैंने ऐड किया है ऑल पर्पज फ्लोर या फिर मैदा वन कप और यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो घर का मैदा आता है वही मैंने यूज किया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से ब्रांड का मैं बेकिंग पाउडर एंड सोडा यूज करती हूँ और ये कोई भी प्रमोशनल वाली वीडियो नहीं है जो मुझे पसंद आता है वही मैं आपके साथ

और इसको हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है एक हैंडवेज के मदद से और इसमें कुछ भी लम्ब्स ना रहे एकदम स्मूथ बैटर हमें चाहिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है और जो बचा हुआ दूध था उसको भी मैं इसके साथ डाल दूंगी और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी और आज हम केक को बेक नहीं करेंगे आज हम केक को स्टीम करेंगे जी हाँ आज हम केक को स्टीम करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक केक टिन आपके पास जो भी केक टिन अवेलेबल है वही आप यूज कर सकते हो या फिर आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर मैंने ऑयल की मदद से केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और आप चाहते हो यहाँ पर केक को बेक भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये केक आप जरूर स्टीम करके ही बनाना तो इसका जो टेस्ट रहेगा ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनेगा तो कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दिया था तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है और यहाँ पर हमें स्टीम करना है केक को करीबन 40 मिनट्स तक तो दूसरी तरफ हमें जो केक का मलाई है वो मैं बना लेती हूँ तो मलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है फुल फैट मिल्क अगर आप चाहो तो यहाँ पर काव का मिल्क भी आप यूज कर सकते हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना अगर आप अच्छा केक बनाना चाहते हो अच्छा मलाई बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फुल फैट मिल्क ही यूज करना होगा तभी जो आपका कि टेस्ट है या फिर मलाई का टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनेगा और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैंने इस चैनल पर बहुत सारा क्रिसमस के ऊपर केक का डेकोरेशन शेयर किया है और आगे भी करूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको देखना है क्रिसमस के ऊपर थीम केक तो आप जरूर मेरे पिछले वीडियो को विजिट कर सकते हो तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया फोर टेबल स्पून शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार कमियाँ ज्यादा भी कर सकते हो उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया इलायची पाउडर हाफ टी स्पून और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया सेफ्रॉन मिल्क और इससे टेस्ट और कलर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आता है ये आप जरूर यूज करना और मलाई को बहुत ज्यादा पकाना या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें अगर आप बहुत ज्यादा गाढ़ा करोगे ना तो जो केक है वो मलाई को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं लगेगा और ये मलाई बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है दस से बारह मिनट में ही आपका जो मलाई है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर मैं बेंगोलीस में केक के ऊपर ही वीडियोस अपलोड करती हूँ अगर आप चाहो तो मेरे वो चैनल भी विजिट कर सकते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप चाहो तो जरूर चेकआउट कर लेना तो मलाई एकदम रेडी है इसे ज्यादा पकाना नहीं है हमें तो दूसरी तरफ हम देख लेंगे की जो केक है वो अच्छे से स्टीम हुआ कि नहीं तो आप देख सकते हो कि जो केक है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया

फिर तो इस मलाई को हम बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लिया है तो आप देख सकते हो मलाई का जो कंसिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज्यादा पतला नहीं है तो पूरा मलाई हम यहाँ पर नहीं डालेंगे थोड़ा बहुत बचा कर भी रखेंगे क्योंकि बाद में हमें इसको गार्निश के लिए यूज भी करना है और ये मलाई के साथ जो केक होता है ना ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनता है मतलब आप एक बार जरूर घर पर ट्राई करना और मेरे साथ जरूर शेयर करना की आपको ये केक का रेसिपी कैसा लगा और इस केक को थोड़ा बहुत हमें सजाना है लाइक डेकोरेशन करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज किया है और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसी के मदद से आप इस केक को डेकोरेशन कर सकते हो अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है कैसियो आमंड और पिस्ता आपके पास जो भी है उन्हीं की मदद से आप डेकोरेशन कर सकते हो और इस केक को कट करके भी आपको दिखाएंगे कि इसका जो इनर टेक्सचर है वो कैसा बना है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो केक है वो बहुत ही ज्यादा फ्लाफी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है मतलब इग्लिस की कितना ज्यादा सॉफ्ट बनता है आप खा के यकीन नहीं करोगी इतना ज्यादा सॉफ्ट बनता है ये तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि का जो इनर टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्टली स्टीम हुआ है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिलाईकोन को भी हिट कीजिए और अगर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है ये भी मुझे कॉमेंट पे जरूर बताना मैं आगे कोशिश करूंगी की आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की तो चलो मिलते अगले वीडियोस में कुछ नए रेसिपीज के साथ कुछ नए डेकोरेशंस के साथ अभी के लिए बाय बाय